ये वो कब्र है जो नोमान के लिए खोदी है मैंने। पिछले तमाम हिसाब चुकता कर दूंगा और ये शख्स इस हुकूमत रह के रगबत रखने वाले का शिकार बन जाएगा। मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है। पिसारे सादे अबी वकास की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने माविया को। पिसरे साद अबी वकास, इस साद के बेटे का नाम कितना आसिम सदा है ना। नहीं, मैं खुद तुमसे पूछती हूँ उमर, क्या तुम्हारा खुद अपना कोई नाम नहीं है क्या? और फिर कौन साद अबी वकास? तुम्हारा वही ईरान का फातह बाप जो अली और माविया के जंग में किसी का तरफदार नहीं था, या वो साद अबी वकास के जिससे माविया हमेशा डरता था क्योंकि उसको अपनी हुकूमत का मुद्दई समझता था और सरंजाम उसको जहर दे दिया। अगर यजीद की नजर भी साद अबी वकास पर पड़ जाए तो खुद को पढ़े बगैर ही जला देगा। तुम्हें लिखना चाहिए था कि एक दिलसोज और मुखलिस सिपाही की तरफ से जो दर्दे दिल रखता है, जो कि एक तवील उम्र से अपने बाप की जहालतों की बदनामी का दाग भुगत रहा है, या उस सरदार के बेटे की तरफ से जिसने अपनी तमाम खिदमात को एक खता पर जाया कर कबूल दिया है। किया। बाकी सुनो, खिलाफत पदरे बुजुर्गवार की मौत का गम कैसे भूला जा सकता है? हारून उसके सामने भिखारी था, हातम ताई उसके सामने कंजूस था, सिकंदरों किसी हैबत रखता था और अरब के लिए बाईस से फख्र था। इसमें से था कुछ कम करो। वो हबीब खुदा, वो खलीफतुल्लाह, वो कातिबे वही, वो खालुल मोमिनीन, ए वो जो सात अकलीम के खुसरवान के सर का ताज थे, ये जो एक बंदे की जबान से सफा पर मक्तूब की शक्ल में आ रहा है, ये खूने दिल है जो के पारा पारा हो गया था जब तेरे मरने की खबर सुनी। काफी है उमर, इसके बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ तुमने लिखा है ये सब चापलूसी और हीलागरी है। तुम्हें तो नौमान इब्ने बशीर के बारे में एक लफ्ज का एतराज करना है। तुमने माविया को इस तरह लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हजरत यजीद का तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हरे महल के बाशिंदों की जबान समझता और जानता हूं जारिया। ये मत भूलो कि यजीद अजीब और अहले शहर है। अगर मुआविया के हलवे से यजीद के शोरबे तक पहुंचना चाहते हो तो लिखो, कूफे की खबर लीजिए कि उसका हाकिम बैत तोड़ने वालों के साथ हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि फितनागर लोग उसके रिश्तेदार हैं और उसके दामाद का घर उन शियों का दारुल खिलाफा हो गया है जिन्होंने अपनी बैत का हाथ अबू तराब के बेटे के हाथ पर रख दिया है। वसलाम, खत तमाम। अगर यजीद की चापलूसी और नौमान के खिलाफ बोलने में ज्यादा रवि से काम लोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मकसद हुकूमत रे का हुसूल है। ना तुम रो रही हो, क्या खबर है? खबर यहां है, पढ़ो। खत पढ़ो, यजीद की तरफ से आया है। मुझे गुमान था कि यजीद आपकी नरमी और सियासत को पसंद न करे, मगर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कदम उठाएगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि यजीद ने मुझे माजूल करके मेरे कांधों पर से यह बोझ उठा लिया।
मुमकिन था कि इस बार अजीम से मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा? उमर साहब के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूं, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकरर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज ब लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं। मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उमर साहब इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा। आपकी समझबूझ में मुझे शक नहीं है, मगर बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अकलमंद हाकिम नहीं चाहता। उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साहब के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को यारान हुसैन की कतलगाह बना दे।